नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सभी रत्नों के धारण करने की विधि बताऊंगा। पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, आप कोई भी रत्न पहनना चाहते हैं, किसी भी ग्रह का रत्न पहनना चाहते हैं, सभी रत्नों को की धारण विधि, और वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली, वीडियो 4 से 5 मिनट की होगी। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, रत्न को कैसे धारण करें, मंत्र क्या है, टाइम क्या है, सावधानी क्या बरतें। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी रत्न, मान लिया सूर्य का रत्न माणिक है, तो वह रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक पहना जाएगा। चंद्रमा का रत्न है तो सोमवार के दिन, मंगल का रत्न है मूंगा तो मंगलवार के दिन, पन्ना बुधवार के दिन, और पुखराज गुरुवार के दिन, ओपलिया हीरा शुक्रवार को, और नीलम शनिवार को पहना जाता है। अब इसकी परफेक्ट टाइमिंग क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन में बताऊँगा। सूर्य उदय से लेकर के करेक्ट 2.5 घड़ी तक, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। सूर्य उदय से लेकर के करेक्ट 1 घंटे तक जो दिन होता है, उस दिन की सबसे ज्यादा शक्ति वहां पर रहती है, पूरी ताकत रहती है, उसको बोलते हैं होरा। मान लिया रविवार है तो रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक सूर्य की होरा रहेगी। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक बृहस्पति की होरा रहेगी, यानी कि उस दिन का पूरा निचोड़, पूरी ताकत वहाँ पर रहती है। तो यह रत्न पहनने का परफेक्ट टाइम है। इसमें आपको मुहूर्त जानने, समझने, पूछने की कोई भी ज़रूरत किसी से नहीं है, यह शास्त्रोक्त है। अब रही बात धारण विधि की, साथियों कोई भी रत्न हो, दूध 100 ग्राम, दही 50 ग्राम, थोड़ा सा घी 2 ग्राम के आसपास, थोड़ा उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच बूरा, तुलसी पत्र यदि रविवार का दिन नहीं है, और गंगा जल, इतने सामान मिक्स करके ओम नमो नारायणाय मंत्र बोलते हुए उसको को मिलाकर के पंचामृत बनाएं, और अपनी दैनिक पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसमें मैं गंभीरता में नहीं जाना चाहूँगा, जो भी आप करते हैं पहले वह अपनी पूजा पाठ करें, जिस देवता को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं उसको प्रणाम करें, और जिस ग्रह की अंगूठी है उसका मंत्र जाप करें, अंगूठी को पंचामृत की कटोरी में डाल दें, और पंचामृत की कटोरी में अंगूठी डाल करके जिस ग्रह का भी रत्न है, मान लिया माणिक है तो ओम घृणी सूर्यायन में, मोती है तो ओम चंद्रमसेन में, मूंगा है तो ओम भौम भौमायन में, पन्ना है तो ओम बुम बुधायन में, सिंपल बता रहा हूँ, मंत्र बड़े बड़े भी हैं, पुखराज है तो ओम बम बृहस्पतिन में, हीरा या ओपल है तो ओम शुक्रायन में, और नीलम है तो ओम समशनिश्चरायन में। इस मंत्र का घड़ी की सुई देख करके कम से कम 10 मिनट जाप करें। जाप करने के उपरांत अंगूठी को पंचामृत से निकाले, जल से धोए, और जिस उंगली में पहननी हो पहन लें, जो भी निर्धारित किया गया है, रत्न के हिसाब से उंगली का चयन होता है, पन्ना इसमें और माणिक आपका इसमें, और आपका नीलम और गोमेद इसमें पहनते हैं, पुखराज और आपका ओपल या हीरा इसमें पहनते हैं, अलग अलग रत्नों के लिए अलग अलग चयन है। और रत्न पहनने के उपरांत ईश्वर को धन्यवाद दें। लाखों लाखों रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ लोग खराब कर देते हैं, लेकिन रत्न धारण किस्मत से व्यक्ति प्राप्त करता है। 3 चीज किस्मत से मिलती है, रत्न, पुत्र और मित्र, तीनों में से कोई भी मिले ईश्वर को धन्यवाद दें। रत्न पहनने के उपरांत उपसंहार के लिए
और समस्त प्रकार के कष्टों से बचने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे जीवन में बढ़िया आती है तो कोई उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं, कम से कम 10 पैकेट बिस्किट के या ब्रेड के या तेल के पराठे कुत्ते को अवश्य खिलाएं। साथियों, ऐसा करने से आपका रत्न एक्टिव हो जाएगा। बहुत सिंपल में अभी 5-5.5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको रत्न धारण करने की विधि बताई। इसको अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानकारों तक शेयर करें, ताकि बार बार आपको कहीं से भी जानकारी ना लेनी पड़े। कभी सही जानकारी मिल जाती है, कभी गलत जानकारी मिल जाती है। तो ये मैंने आपको एक सूक्ष्म रूप से संपूर्ण विधि बताई। और समस्त प्रकार की वैदिक पूजा पाठ के लिए, वैदिक अनुष्ठान आदि के लिए, ऑनलाइन ज्योतिष जन्म पत्रिका दिखाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, वास्तु विजिट के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। बिना किसी फॉर्मेलिटी के डायरेक्ट मैं फ़ोन उठाता हूँ, सीधी बात करता हूँ। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।